अस्सलामु अलैकुम गाइस, आज हम आए नीला दूल्हा और अभी हम यहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखें कुआं है, ये इस साइड पे भी इसका कुछ सामान पड़ा हुआ है। यहाँ से ये चलता है इसके साथ और ये अंदर पानी है, दिखाता हूँ मैं। ये देखो सारा का सारा ये पानी है इसके अंदर। यहाँ पे ये बहुत पुराना है, जंग लग गया इसको। और इस साइड पर ये खेत हैं आप देख सकते हैं, और सिर्फ पहाड़ हैं। और गाइस हमें यहाँ पे ज़मीन ख़रीदी है और ये देख खेत हैं वो उधर उधर तक, सारी जगह पे खेत हैं ये। और आगे गाइस आपको सारा दिखाते हैं। ये देखें मौसम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, और इस साइड पे ट्रैक्टर ने हल छल कर दिए और वो चला गया यहाँ से। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। यहाँ पे गाइस हमने ज़मीन ख़रीदी है और यहाँ पानी की बिल्कुल किल्लत नहीं है, पानी की किल्लत ही नहीं है भाई साहब, पानी बहुत है यहाँ पे। ये इसके अंदर दरख्त लग चुका है और उसके बाद ये इसका सामने आ रहा है पाइप, इधर से इसका ये पानी निकलता है और यहाँ से बंदे पानी भर लेते हैं। अभी अब्बू कह रहे हैं कि इसको हम आबाद करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इसको थोड़ा सही अच्छी हालत में लाएँगे और चेक सोलर मोटर लगाएंगे इसके अंदर। और ये पता नहीं मुझे पुराने ज़माने का है कुआँ वैसे, इसको मुझे इतना पता नहीं है लकड़ियाँ शगरियों का और ये सारा सिस्टम जो है, ये पता है कि बस ये कुआँ है और बहुत पुराना कुआँ है। ये गल गया बेचारा, यहाँ से देख सकते हैं आप गल गया, और इसका ये पाइप है पानी का। तो गाइस ये जो है सारा मैंने समझ लिया अबू से, यहाँ पर बैल लगते थे, बैल होते हैं वो यहाँ पर घूमते थे, फिर ये घूमती थी। उसके बाद यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्स सारे, इन बॉक्स में पानी आता था और उसके बाद ये जो है ना इसके अंदर आ जाता है पानी, ये जो है इस वाले के अंदर पानी आ जाता था। उसके बाद ये जो है ना इसके अंदर पानी आपको देख सकते हो है इस टाइम। आगे आपको सारा दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं, ये आप आगे सारा देखते जाएँ। इस साइड पर ये लगी हुई है, इस साइड पर बाउंड्री आप चेक कर लें, ये बाउंड्री है इसकी। और ये साइड पे नाला भी है, सकते पानी अंदर से गुजर जाता है इसके। और हमारी गाड़ी जा चुकी है हमें छोड़ के आगे, बाय बाय। और अभी आपको ये सारा है सिस्टम इस साइड पे, धूला रोड इसको कहते हैं, धूला नीला रोड ऐसे ही कुछ नाम है इसका। और इस साइड पे ये फसलें लगी हैं, फुल गांव वाला रोड है। हमने यहाँ पर भाई साहब ज़मीन ख़रीदी है, और अब पता नहीं कितनी ज़मीन ख़रीदी है, वो अबू आपको बता देंगे, कि मैं अबू से पूछ के आपको बताता हूँ। और सर आप देख लो, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मौसम हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे नई रोड अभी बनेगी, इस रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है। और उस साइड में भैंसें भी खड़ी हुई हैं। दस से बारह साल लगेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम अपना डेरा बना लेंगे। और आपको वो दिखाया था ना कुआं, कुएं के अंदर हम भाई साहब सोलर लगाएंगे, सोलर से वो भाई साहब चलेगा। वो भाई बातें रहे ख़त्म हो गई हैं कि इन बैलों के साथ चलेंगे वो, और फिर हम चलाएंगे। ये तो भाई बहुत दूर की बात हुई। अभी हम आपको मैं रास्ते पर सारा कुछ दिखाता जा रहा हूँ, तो अभी आप देखते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हम लोग रास्ते पर और भी कुछ दिखाएँगे, फिर देखते जाओ। ये वाला सारा सिस्टम जो लगे हुए हैं, सारी जो भैंसें हैं और वो सारा यहाँ पे घास खा रही हैं, चर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। और पहले यहाँ पे सुबह टाइम बहुत होती हैं, इस टाइम ख़त्म हो गया, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये बाबा जी भी हैं अपनी जो हैं बेड़े उनको फिरा रहे हैं। इस साइड भी एक रोड जा रही है, गली पता नहीं अभी किस साइड जा रही है, और बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। और वो बाबा जी फिर रहे हैं अपनी भैंसों को फिरा रहे हैं, चरा रहे हैं। और इस मकसद ये था कि हमने नया प्लाट लिया यहाँ पे, और आप सब ने मुबारक दी है कमेंट्स के अंदर। तभी हम लोग सब व्लॉग को एंड करते हैं, पता नहीं कितने मिनट का बना है व्लॉग, ऐसे बहुत मज़े का बना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।